नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू शर्मा ग्रुप और मैं हूं अमन शर्मा। वेलकम बैक दोस्तों, मैं आ चुका हूं वापस आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैं करीबन 10 दिन से यूट्यूब से मेरा रिलेशन टूटा हुआ था पूरा का पूरा एकदम। मैं लिंक में ही था ही नहीं यूट्यूब से, और मैं अभी लिंक में आया हूँ, और मुझे लगा कि आप लोगों से बात करनी चाहिए, आप लोगों को एक नया इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। तो मैंने एक नया इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैं लेके आ चुका हूँ, जो कि बहुत सारे दोस्तों का मैंने अभी खोला है यूट्यूब, तो कमेंट्स आ चुका था, हमारे व्हाट्सएप पर भी कमेंट्स आ चुका था, उसके रिगार्डिंग मैं अभी आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। वो क्या है तो दोस्तों, वो है पहला स्कॉलरशिप, ठीक है। दूसरा है पार्ट टू का एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने पूरा एकदम इन्फॉर्मेशन लेकर के और अभी मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ, ठीक है। पार्ट टू का जो है कब से फॉर्म भरा जाने वाला था, ये तो आपको पता ही है, कब से एग्ज़ाम होने वाला था, क्या होने वाला, सारे टेस्ट मैं भी आपको देने वाला हूँ। पहले प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा या पहले जो एनुअल एग्ज़ाम होता है वो होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब मैं पल पल की अपडेट आप लोगों को देता रहूंगा, आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो है हम ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं, ये देख सकते हैं जहां से नोटिफिकेशन आता है। यहां एक नोटिफिकेशन आया हुआ था जो कि आप लोगों को पता होगा, जिस नोटिफिकेशन में आप लोगों को साफ साफ लिखा गया था, सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आया था जिसमें लिखा हुआ था कि आपका एग्ज़ाम कब से कब तक होगा, ठीक है। और ऊपर में सबसे पहले ये लिखा हुआ था कि आपका जो है फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको उस नोटिस पे। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये नोटिस है, उसका ऑफिशियल नोटिस है, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, ठीक है। अधिसूचना स्नातक द्वितीय खंड परीक्षा, और यहाँ साफ साफ आप देख सकते हैं, यहाँ दर्शाया गया सारा डेट, किस डेट में क्या होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कन्फर्म है कि पहले आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर पहले प्रैक्टिकल होगा या पहले एनुअल एग्ज़ाम जो होता है वो होगा, तो यहाँ पहले आप लोगों का प्रैक्टिकल होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, सामान्य शुल्क के साथ कब तक फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, उसके सामान्य शुल्क विलम्ब शुल्क के साथ कब से कब तक भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रायोगिक परीक्षा प्रारंभ की संभावित तिथि 26/3/2020 से, ठीक है, 26 तारीख से होने की संभावना है, 26 मार्च से, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं सैद्धांतिक परीक्षा प्रारंभ की संभावित तिथि जो है वो 17/4/2020 से होने वाली है। दोस्तों मेरा तबीयत सही नहीं है अभी भी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आप लोगों के साथ जो है बात करनी चाहिए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, इसी वजह से मैं आ गया हूँ। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 17 से होने वाला है, 17 अप्रैल से, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा बात आप लोगों से नहीं कर सकता, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।